तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे और जो नए लोग मुझे देख रहे हैं, वेलकम टू अवर चैनल पाकी द ग्रेट। तो आजकल हर जगह एग्जाम्स चल रहे हैं, मिड टर्म एग्जाम्स या फिर उन्हें कह सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स। तो आज का व्लॉग भी होने वाला है कुछ हाफ ईयरली एग्जाम्स को लेके। तो मैं शेयर करूंगी कुछ टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ ताकि मेरी बेटी विदाउट ट्यूशन पढ़ती है और मेरी बेटी है 6th स्टैंडर्ड में। तो आई होप आपको भी कुछ टिप्स काम आएंगे अपने बच्चों को स्टडी करवाने के लिए। मैं आज तक यही टिप्स फॉलो करती आई हूँ और मुझे कभी भी ट्यूशन की जरूरत नहीं हुई। सबसे पहले बारी आती है मॉर्निंग की। जैसे कि मिड टर्म एग्जाम्स में या हाफ ईयरली एग्जाम्स में बच्चों को एक या दो दिन का ब्रेक मिलता है, तो जिस दिन पाखी की छुट्टी होती है तो हम सुबह उठते ही कभी भी उस पे प्रेशर नहीं करते कि उसको ना स्टडी स्टार्ट करनी है। मॉर्निंग हमेशा फ्रेश और बिल्कुल ना रिलैक्स होनी चाहिए। अगर बच्चे का माइंड फ्रेश होगा तो थोड़ी देर बाद उसका अपने आप ही मन कर जाएगा पढ़ने का। तो या तो आप अपने घर के पास कोई पार्क है उसमें जा सकते हैं, या फिर आपका बच्चा कोई एक्टिविटी करना चाहता है, साइकिल चलाना चाहता है, या फिर कोई फोन देखना चाहता है, या थोड़ी सी सीरीज या टीवी देखना चाहता है, मतलब कि अगर वो रिलैक्स करना चाहता है तो सुबह उठते ही उसे रिलैक्स करने दीजिए। कुछ बच्चे पसंद करते हैं बिल्कुल अपना मी टाइम एंजॉय करना, उन्हें मी टाइम एंजॉय करने दीजिए। इससे माइंड ना बिल्कुल रिलैक्स रहता है और मूड बहुत अच्छा होता है बच्चों का। मेरी बेटी जब भी पार्क से आ जाती है उसके बाद उसकी होती है ऑनलाइन क्लासेस। आजकल स्कूल में ना ये बहुत फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है कि मैम डाउट क्लियरिंग सेशंस लेती है। अगर आपके स्कूल में भी ये चीज़ है तो आप ये ज़रूर फॉलो करो। नेक्स्ट बारी आती है डाइट की, अच्छे खाने की। बच्चे आए दिन मोस्टली जंक फूड्स या चॉकलेट्स या कुकीज ये सब खाते ही रहते हैं, पर एग्जाम टाइम में मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कोई भी किसी तरह का जंक फूड मैं अपनी बेटी को नहीं दूं। जैसे मॉर्निंग में उसकी ऑनलाइन क्लास अभी जस्ट होके ही हटी थी तो मैंने उसको पराठा दे दिया था। अब जैसे काफी देर पढ़ते पढ़ते टाइम हो जाता है, उसे भूख लगती है, तो मैं उसे फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ, या फिर इवनिंग में थोड़ा उसे ब्रेक चाहिए होता है तो मैं उसे दूध दे देती हूँ उसके फेवरेट लाइक बिस्किट्स के साथ, या जोन सा वो कुकीज खाना प्रेफर करती है। तो इस तरह से आप होममेड कोई भी डिश बच्चे को दे सकते हैं, बट प्लीज एग्जाम्स के टाइम में बाहर का बिल्कुल भी खाना आप बच्चों को देना अवॉइड करें। मैं भी ये चीज फॉलो करती हूँ और टेंशन फ्री रहती हूँ। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ, जैसे ही मुझे स्कूल से प्लानर डे शीट सिलेबस मिल जाता है तो मैं उसके ना प्रिंट आउट इस तरह से स्टडी टेबल पे ना पेस्ट कर देती हूँ। इससे क्या होता है, आते जाते हम जब भी वहां से जाएंगे तो हमारी ना इस पे नजर पड़ती है और हमें ना अपने आप एक तरह से ना रिमाइंडर मिलता रहता है। तो आप ये चीज जरूर फॉलो करो, डे शीट सिलेबस प्लानर हर एक चीज ना बिल्कुल सामने ना मेंशन होनी चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चा भी जब स्टडी टेबल के पास आएगा, अपनी कोई चीज निकालेगा या कुछ भी उसे यूज करना होगा, उसकी खुद ही इस पे नजर रहेगी और उसको अपने आप एक तरह से ना रिमाइंडर मिल जाएगा। प्रिंटर हमेशा मेरा यहाँ पे रहता है ताकि कोई भी चीज मेरी बेटी को प्रिंट आउट चाहिए हो तो वो एकदम इंस्टेंट उसको यूज कर सके। इसके बाद बारी आती है स्टडी मटेरियल या नोट्स की। मोस्टली 70-80% यहाँ पे ना लोग थोड़ी सी गलती कर देते हैं कि एग्जाम टाइम पे अगर किसी ने आपको सजेस्ट किया है कोई बुक या रेफरेंस बुक, वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्स टाइम में कभी भी बच्चों को न्यू स्टडी मटेरियल बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। जो भी उन्होंने पूरे साल में नोट्स बनाए हैं, जैसे मेरी बेटी ने यहाँ पे ना नोट्स बनाए हुए हैं अपनी SST के, तो वो यही उनको फॉलो करती है, या फिर स्कूल की जो टेक्स्ट बुक है, NCERT बुक है, कोई रेफरेंस बुक स्कूल ने लगाई हुई है, या आजकल स्कूल वर्क बुक्स भी प्रोवाइड होती हैं, मेरी बेटी हमेशा उसी से ही पढ़ाई करती है। मैं बिल्कुल भी फ्रेश कोई भी बुक उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाती हूँ। स्कूल वाले आजकल जैसे सैंपल पेपर प्रोवाइड करते हैं या रिवीजन वर्कशीट्स प्रोवाइड होती हैं, उसी में से ही हमेशा बच्चों को स्टडी करवाना चाहिए ताकि उनके अच्छे मार्क्स आ सके। और जितना हो सके बच्चों को ना बिल्कुल लिख के प्रैक्टिस करवाइए। एग्जाम्स टाइम में टाइम बहुत कम होता है, तो जैसे आप ओरली बच्चों से सुन सकते हैं और डिफिकल्ट वर्ड्स बच्चों को डिक्टेशन की तरह ना दे सकते हैं। उससे क्या होगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होंगी बच्चों की और उन्हें पूरा सिलेबस ना थोरली याद हो जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, आप एक छोटा सा कॉम्पैक्ट बॉक्स बनाइए या बच्चे को बोलिए बनाइए, उसमें जैसे साइंस का एग्जाम है तो साइंस से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल है वो उस बॉक्स में रख दे। तो इससे क्या, बार बार बच्चा डिस्टर्ब नहीं होगा, उसे सारे एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। यही चीज आप फॉलो कर सकते हैं एक स्टेशनरी बॉक्स के थ्रू भी। मैंने यहाँ पे ना एक छोटा सा स्टेशनरी बॉक्स बना रखा है घर के लिए, उसमें सारी चीजें जितनी भी स्टेशनरी से रिलेटेड होती है मेरी बच्ची को चाहिए होती है वो इसमें रहती है, और बार बार पढ़ते हुए ना वो
डिस्टर्ब नहीं होती कि एक रूम से दूसरे रूम में जा रही है चीजें लेने या पेंसिल बॉक्स सर्च कर रही है। तो ये टिप आप जरूर फॉलो करिए, आप देखना आपका बच्चा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अब बारी आती है बच्चों के एग्जाम सप्लाईज की, यानी कि एग्जाम बोर्ड की, न्यू पेन की, स्टेशनरी की, ज्योमेट्री से रिलेटेड चीजों की। तो इसके लिए आप बच्चों के साथ जरूर जाइए, इससे ना बच्चों में एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो मैंने भी यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग की थी, तो उसका अब मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक छोटा सा हॉल वीडियो, आप भी देख लीजिए मेरी बेटी ने एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें ली हैं। एग्जाम में सबसे पहले कार्डबोर्ड, और ये कार्डबोर्ड नहीं है, ये प्लास्टिक बोर्ड समझ लो या ग्लास बोर्ड, क्योंकि ना बड़ा क्लियर है। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने क्लियर वाला क्यों लिया, क्योंकि ना टीचर्स को ना मतलब मेरे को लगता है कि तो वो अच्छे भी नहीं लगते, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी और इसमें यहाँ स्केल भी दे रखा है, इसमें स्केल भी दे रखा है, और साथ ही साथ ना मेरे को ना वो अच्छे नहीं लगते, क्लियर वाले ज्यादा अच्छे होते हैं। मैम को कोई डाउट होगा चीटिंग तो नहीं। पेंसिल्स तो यूजुअली है, हम पेंसिल्स यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि मेरे पास पेंसिल खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट, तो उसकी वजह से मैंने पेंसिल दी। ओ हाँ, पेन, तो मैंने टोटल 10 पेन्स ली है, क्योंकि मेरे बहुत सारे एग्जाम है, मेरे पास टोटल ना 38-45 क्वेश्चंस होंगे, और पेन बहुत जरूरी होते हैं। आप कम से कम 6-7 पेन लेके जाओ, बाय चांस किसी की इंक अच्छी ना हो या फ्लू मतलब अच्छा ना लिखे, या तो आपके पास एक्स्ट्रा पेन होने चाहिए, और उसकी जो रोल वाली जो आगे होती है जेल पेन की, बॉल की, वो खराब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। हाईलाइट करने के लिए आंसर को हमेशा हाईलाइट करो, डायग्राम डायग्राम है उसमें शेक करना, उसके लिए कलर पेंसिल बेस्ट है, क्योंकि ना आप उससे अगर बाय चांस गलत कलर हो जाए आप इरेज भी कर सकते हो, क्रेयॉन्स में या पेस्टल कलर्स में प्रॉब्लम आती है ना पाकी। हाँ, और ये ना डॉम्स के सबसे अच्छे होते हैं ना, एक तो उल्टा पता है शॉर्ट है। मम्मी आपको क्या लगता है इसकी कन्वीनियंस? ये बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी चीज ना मुझे पेंसिल कलर में ये डबल वाले अच्छे लगते हैं, दोनों साइड होते हैं, एक तो स्पेस भी बहुत कम लेते हैं ये, वरना ना ज्योमेट्री में बहुत हॉच पॉच हो जाती है ना। हाँ, ये सबसे अच्छा लगता है। स्केल, ये तो सबसे जरूरी, टू स्केल्स हमेशा होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट से कुछ नहीं होता, बाय चांस कभी टूट जाए गुम हो जाए तो इसलिए होना चाहिए। उसके बाद मैं लेके आई हूँ टू इरेजर्स, ये तो जरूरी है, इरेजर्स एंड शार्पनर्स, शार्पनर और इरेजर के बिना तो काम नहीं चलता, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। अरे क्या है सोचो, मिनी स्टेपलर, स्टेपलर, हाँ ये मिनी स्टेपलर है, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको वैसे स्कूल में थ्रेड मिलता है ना शीट्स को बांधने के लिए, आप स्टेपलर जरूर लेके जाओ, थ्रेड कभी कभी क्या होता है रखने में ना बंडल खुल जाते हैं, तो एक मिनी स्टेपलर जरूर होना चाहिए, अच्छी कंपनी का आप लेके जाइए थ्रेड। मैंने इसको भी ये सिखाया, मैं आपको भी ये बोलूंगी, थ्रेड आप भले ही बांधिए पर स्टेपलर जरूर करना शीट्स, वरना मिसप्लेस हो जाएगी और मार्क्स हो जाएंगे। ये हाइलाइटर्स मम्मा ने इसलिए दिलाए क्योंकि मेन मेन हेडिंग्स, मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ग्रीन वाला मम्मा और मैंने मेरे को नहीं लगा था, क्योंकि ग्रीन वाला ना यूज भी नहीं होता एग्जाम्स में ना करते, तो हमने पिंक लिया है, नियॉन लिया है, ब्लू लिया और ऑरेंज लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है ब्लैक पेन, ये ब्लैक पेन है, और ये जो ब्लैक पेन है ना इनमें एक्स्ट्रा हमें शाइन रिफिल नहीं, रिफिल नहीं मिली, सॉरी, ये ब्लैक पेन है और ये बहुत अच्छा फ्लेयर किया, फ्लेवर तो फ्लेयर इज अ गुड, हां तो आई लाइक दिस ऑल। उसके बाद इन सब चीजों को रखने के लिए पाउच, और आप भी कोशिश करो जब भी आप एग्जाम देने जाओ ना तो छोटा सा कॉम्पैक्ट सा पाउच होना चाहिए आपके पास। मम्मा डबल जिप वाला, मम्मा मेरे को तो यही अच्छा लगा, देखो इसमें बहुत सारी स्पेस है, आगे आपने स्केल पतली पतली चीजें रखी, पीछे बहुत स्पेस है, मम्मा मेरे को बहुत कन्वीनियंट लगा, आई लव दिस पाउच। पतली थी पर इसने ली है, देखो क्या है ये बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रिक रेजर, ये इलेक्ट्रिक रेजर है, और मुझे भी नहीं पता, पाकी को भी नहीं पता ये कैसे काम करती है, इसमें फैन भी है, ये फैन भी बन जाता है यहाँ से देखो, और रेजर भी है, और इसके साथ उन्होंने बैटरी भी दी है हमें, यस ये बैटरी है, और चलो ठीक है, मैंने कहा एग्जाम है, बच्चे का मूड अच्छा हो जाएगा, एग्जाम अच्छा देगा, है ना, है ना। और बस फिर काफी सारी स्टेशनरी की शॉपिंग करने के बाद पाकी होगी थी बिल्कुल खुश, और बिल्कुल होगी थी रेडी अपने एग्जाम्स के लिए। आई होप आज की वीडियो देख के आपको भी कुछ टिप्स मिली होंगी अपने बच्चों के एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप भी कोई भी चीज या टिप्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट।